वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है नाम्बी नारायणन, इसरो स्पाई स्कैंडल एक्सप्लेन्ड, द मैन बिहाइंड रॉकेट्री आर महादेवन। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो रॉकेट्री मूवी का ट्रेलर है उसका रिएक्शन अभी रिसेंटली किया था। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेलर लग रहा था और ये भी पता चला कि ये खास जो आर महादेवन है, ये मिले थे पीएम मोदी से भी, एंड पीएम मोदी ने भी उनसे बात की और मेरे ख्याल से ट्रेलर या फोटोज उसके साथ उनकी उन्होंने डाली भी हुई है, और शायद उसमें जो मिस्टर नारायणन है वो भी वहां प्रेजेंट थे मोदी जी के साथ। तो कह रहे हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद ये जो उनके ऊपर एलिगेशंस थे वो सब हटाए गए। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो गवर्नमेंट आई है मोदी जी की, जो भी रॉन्ग्स किए गए थे पहले उन सबको राइट कर रही हैं। तो अब डिटेल में पता करते हैं इनकी लाइफ में क्या हुआ, क्या हार्डशिप्स हुई, कितना इनके साथ नाइंसाफी हुई और वो क्या थी। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारा दूसरा चैनल ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नाम्बी नारायणन कौन थे? इसरो के ग्रेट साइंटिस्ट या दूसरे देश के जासूस? कल हमने रॉकेटरी फिल्म का ट्रेलर देखा और हम काफी कंफ्यूज हो गए। क्या हमें खुश होना चाहिए क्योंकि भारत के साइंटिस्ट के ऊपर एक ऐसी फिल्म बन रही है, या हमें दुखी होना चाहिए क्योंकि भारत के हीरोज के ऊपर ऐसे फेक केसेस भी होते हैं? डॉक्टर नाम्बी नारायणन एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने नासा को ना कह के भारत को हां, लेकिन फिर भी एक फेक केस की वजह से उनका आधा करियर उनसे छीन लिया गया। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपको एक साइंटिस्ट की कहानी बताने वाले हैं, उनकी साइंस, जस्टिस और देश के प्रति प्यार की कहानी आप तक पहुंचाने वाले हैं। जो देश साइकिल पर रॉकेट लेके जाता है वो देश स्पेस रेस में आगे कैसे निकल सकता है? एक टाइम था जब पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी इस बात में विश्वास रखता था, लेकिन फिर आया इसरो। मार्शल फिल्म के बजट से कम बजट में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन कम्प्लीट किया। स्पेस एक्स के 1/4 कॉस्ट में हम सैटेलाइट लॉन्च करने की पावर रखते हैं और आज दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइंटिस्ट हैं, और ऐसे ही एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर नाम्बी नारायणन। विक्रम साराभाई सर ने नाम्बी सर के टैलेंट को काफी अर्ली स्टेज में पहचाना और उन्हें आईवी लीग कॉलेजेस में जाकर पढ़ने के लिए कहा। रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर्स करने के बाद उन्हें नासा में काम करने का मौका मिला था, लेकिन उनका सपना तो भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का था और उन्होंने इसरो में वही किया। विकास इंजन डेवलप किया जो आज भी भारत के पीएसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को पावर करता है। अगर भारत को मैन्ड स्पेस मिशन करने हैं तो लिक्विड फ्यूल इंजन पर काम करना होगा, ये नाम्बी सर जानते थे। रशिया ने भारत के साथ 1990s में 235 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सेम टेक्नोलॉजी यूएसए 950 करोड़ में और फ्रांस 650 करोड़ में ऑफर कर रहे थे। इसका ये मतलब है कि 1990s में भी इसरो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन करने के लायक था। अब शुरू होती है कंस्पिरेसी। भारत को अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ मिले तो भारत अमेरिका का कंपेटिटर बन सकता है और फ्यूचर में कम प्राइसेस में सैटेलाइट लॉन्च करके स्पेस रेस में आगे भी निकल सकता है। अमेरिका ये जानता था। इसे रोकने के लिए भारत से क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी रखना जरूरी था। यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने रशिया पर प्रेशर डालना शुरू किया और भारत का एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। लेकिन हमारे साइंटिस्ट स्मार्ट होने के साथ साथ स्ट्रीट स्मार्ट भी होते हैं, उन्होंने फिर भी 1999 तक क्रायोजेनिक इंजन लाने का टारगेट बरकरार रखा। भारत की इस तेज प्रोग्रेस पर एक स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए कई इंटरनेशनल फोर्सेस ओवर टाइम काम कर रहे थे। किसी प्रोजेक्ट को कैसे खत्म करें, उस प्रोजेक्ट के लीडर का कैरेक्टर खत्म कर दिया। अक्टूबर 1994 में तिरुवनंतपुरम में मालदीव्स की एक लेडी को अरेस्ट किया गया जिनका नाम था मरियम रशिदा। ड्रॉइंग्स ऑफ इसरोज रॉकेट इंजन्स वर फाउंड विद दिस लेडी। माना गया कि उनका ये ड्रॉइंग्स हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को बेचने का प्लान था। उस समय नाम्बी सर इसरो के क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के हेड थे और अगले ही महीने नाम्बी सर को अरेस्ट किया गया। 50 दिनों के लिए नाम्बी सर को जेल में रखा गया, उन्हें इंटरोगेट किया गया और टॉर्चर कहा गया कि आप सारा ब्लेम इसरो के टॉप साइंटिस्ट पर शिफ्ट कर दो, लेकिन नाम्बी सर ने साफ इनकार कर दिया। उस समय बिना किसी प्रूफ के नाम्बी सर के अगेंस्ट न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपने लगे। कहा गया कि कुछ पैसों के लिए उन्होंने हमारे सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच दिए और लोगों ने ये मान भी लिए, शायद उन्होंने कॉमन सेंस गिरवी रख दिया और ऐसे ही एक हीरो को रातों रात विलन बना दिया गया। नाम्बी सर कहते हैं, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे बेच सकता हूँ जो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
कोई एजेंसी मुझे स्पाई क्यों बनाए जब विकास इंजन की टेक्नोलॉजी ओपन मार्केट में अवेलेबल थी। कहते हैं कि जब उनकी वाइफ मंदिर जाती थी तब पंडित उन्हें प्रसाद भी नहीं देते। वो किंग की बीवी है ये पता चलने पर रिक्शा ड्राइवर तक उन्हें उतार देते थे। मुझे एक बात बताइए, जो इंसान नासा को ना कहता है वो कुछ हमारे फ्रेंडली नेबर पाकिस्तान को शेखर गुप्ता कहते हैं कि जो भारत का बुरा चाहता है वो आज कितना खुश होगा नहीं, क्योंकि हमने खुद ही अपने स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम, इंटेलिजेंस और हमारे हीरोज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। 1996 में सीबीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि एस्पियोनाज के लिए कोई प्रूफ नहीं और उन्होंने कहा कि ये केस बेबुनियाद, ये केस फेक थी। फिर भी ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन नंबी सर के पक्ष में दिया। इस केस के चलते हुए नंबी सर के काफी इंटरव्यूज हुए। उनमें से एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का आपको फंसाने में कोई हाथ है। मैंने कहा कि फॉरेन फोर्सेस का हम साइंटिस्ट को फंसाने में हाथ है, शायद वो CIA हो सकता है या शायद कोई और। इस पूरे सिलसिले में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है पता, कि 1994 के बाद इस केस की वजह से भारत के पूरे स्पेस सेक्टर में होने वाली प्रोग्रेस को भी एक स्पीड ब्रेकर लग गई। जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी 1999 तक फंक्शनल हो सकती थी उसे फंक्शनल होने में 15 साल और लगे। सोचिए आज इसरो कहां होता अगर हम अफवाहों से ज्यादा हमारे साइंटिस्ट की कदर करते। 2019 में फाइनली उन्हें पद्म भूषण देकर भारत सरकार ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमें नंबी सर के पेट्रियोटिज्म पर कोई डाउट नहीं। देशभक्त एक काफी भारी शब्द, और ऐसे भारी शब्द अपने साथ साथ एक बर्डन कैरी करते हैं, और ये बर्डन निर्दोष होने का नहीं, लोगों के नजरिए में निर्दोष रहने का बर्डन। क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां क्रिमिनल का क्राइम प्रूव होने तक उसे इनोसेंट माना जाता है, लेकिन एक इनोसेंट इंसान को हर कदम पर अपना इनोसेंस प्रूव करना पड़ता है। जब हम पढ़ते हैं कि कैसे बार बार लगातार एक नए भारत का सपना देखने वाले हीरोज को टारगेट किया जाता है, कभी सस्पिशियस प्लेन क्रैश में, कभी पॉइजन से, या कभी कैरेक्टर असैसिनेशन से एलिमिनेट किया जाता है, तब हम ये समझते हैं कि हमारी असली पोटेंशियल क्या है और कुछ लोग इस पोटेंशियल से कितना डरते हैं। बाहर के फोर्सेस भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि कहीं शायद वो भारत को एक कॉम्पिटिटर मानते हैं। साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपने कॉम्पिटिशन से आगे रहना चाहती है, ये एक सच। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अंदर से भी इतने खोखले हैं कि एक जीनियस को गद्दार कहके उसके जिंदगी के इतने साल बर्बाद करें। तो फ्रेंड्स काफी अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि उस टाइम भी जब हम ट्रेलर देख रहे थे तो थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि एग्जैक्टली क्या, क्योंकि हस्बैंड को लग रहा था कि शायद वो बाहर गए थे और उसके बाद वापस इंडिया आ गए थे, जबकि मेरे हिसाब से ये हुआ था कि उनको नासा से ऑफर आई थी और उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो इसमें क्लियर हो गया कि जो मैं सोच रही थी वो ठीक था कि नासा में भी उनको मिला ऑफर आई पर उन्होंने सोचे उसको रिजेक्ट करके, क्योंकि वो डायलॉग बोल रहे थे ना कि मैं तो वो जितना पैसा है वो तो मैं एक महीने में भी कमा सकता हूं। तो वही मैं सोच रही थी जब बोला कि उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो फोटोज थी जो उस टाइप से वो प्लान जो भी हैं उनको बेचने की कोशिश की, तो मैंने कहा जो अपनी कंट्री के लिए नासा को रिजेक्ट कर रहा है वो भाई आप पाकिस्तान को क्यों बेचेगा, उसी से आपको पता चल जाना चाहिए, किसी को भी पता चल जाना चाहिए। और इट वॉज जब उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको ट्रीटमेंट कर रही थी आम पब्लिक लोग जैसे रिक्शा वाले पंडित वहां पे, वो भी मुझे सुन के बहुत ही मतलब शर्म आ रही थी कि आपने बिना सोचे समझे किसी ने अफवाह फैला दी और आपने उसको बिलीव कर लिया। एक तरफ से एक बार उनकी भी देशभक्ति नजर आ रही है, पर वो देशभक्ति जो है वो आपने एक और देशभक्ति अगेंस्ट कर दी, किसी ने कुछ बोला आपने उसको बिलीव कर लिया, जबकि आपको खुद सोचना चाहिए था, फैक्ट्स की वेट करनी चाहिए थी, फिर एक्शन देना चाहिए था, क्योंकि वो इनोसेंट थे, वो एक देशभक्त थे और उनके साथ ये सब करना जो था बहुत ही इनअप्रोप्रिएट था, गलत था। और बहुत अच्छी बात हुई कि ये सब क्लियर हुआ, उनको उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिली, पर जो उनके साथ हुआ वो सब जो गलत चीज उनके साथ हुई ये सब होने के बावजूद कि उनको उन्होंने दिए अवार्ड्स दिए, उनको मतलब वो इज्जत वापस दी, जो हुआ उसके लिए हमें हमेशा ही शर्मिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पेन और वो जो चीजों से गुजरे हैं जो जो उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी वो मैं जैसे कहते हैं ना कि वो खत्म या कम नहीं हो जाती जो उसके बाद आपने उनके साथ ठीक करने की कोशिश की। पर इससे ये लेसन जरूर मिलता है कि आप किसी की भी बातों में आके किसी इंसान के ऊपर इस तरह से बिहेवियर मत करो, क्योंकि आप जो कर रहे हो कोई बाहर वाला भी आपको उसमें भड़का रहा होता है। अगर आप अंदर से एज अ कंट्री मजबूत नहीं हो तो बाहर वाले कैसे फायदा उठाते हैं, वो एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे है कि एक र्यूमर कर दी और उस र्यूमर से एक इतने बड़े साइंटिस्ट जो इंडिया को इतना ऊंचाई पे लेके जा सकते थे, वो कह रहे 15 साल डिले हो गया जो 1999 तक पॉसिबल हो सकता था। तो बहुत ही गलत बात हुई, बहुत ही दुख की बात है, पर
इस बात का थोड़ा मतलब जो है ना दुख कम हुआ कि एटलीस्ट अब वो चीजें जो है वो रियलाइज हुई लोगों को, वो बताएगी कि ये सब गलत था। राइट, तो अच्छा वीडियो था। इसमें खुशी की बात ये है कि नॉलेज अभी भी फ्री है, मतलब जिस भी कंट्री के पास नॉलेज है वो बेसिक लेवल की नॉलेज के लिए रोक नहीं रहे। बुक्स अभी भी छप रही हैं साइंटिफिक कम्युनिटी में, अगर कोई यूएस में कोई कुछ फाइंड आउट करता है तो बुक छपती है पूरे वर्ल्ड के लिए कि पूरा वर्ल्ड स्टडी कर सकता है। आप जो है आईवी लीग में आ सकते हैं पढ़ने के लिए बिना किसी कंडीशन के कि भाई हम आपको नॉलेज दे रहे हैं आईवी लीग में, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो रहा कि तुमने हमसे नॉलेज तो हमारी कंट्री में ही तुम वो उसका यूज करोगे। तो ये फ्रीनेस की अच्छी बात है कि आप आइए, आप बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़िए, वो इंस्टीट्यूट का काम आप पूरी ह्यूमैनिटी को नॉलेज देने के लिए, उसके बाद हमारी कंट्री में रुकते हैं नहीं रुकते उनको फर्क नहीं पड़ता, आप वापस जाइए अपनी कंट्री में ग्रेड बनाइए। इससे क्या होता है, गुडविल आती है। जैसे अभी आए थे आईवी लीग में पढ़ के वापस गए थे इंडिया में बना रहे, तो गुडविल है इसकी वजह से नासा और इसरो में, क्योंकि उनको पता है कि नॉलेज जो है हम तुम्हारे आईवी लीग से हमने नॉलेज ली है और अब ह्यूमैनिटी के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात जो कह रहे हैं सीए ने की थी वो यही कह रहे हैं कि किसी फॉरेन पावर ने की थी, तो अब यूएस जो है इतनी ऑलरेडी आगे हो चुकी है तो मुझे लगता नहीं है कि यूएस करेगा, जो बहुत आगे हुआ है वो नहीं करेगा। मगर और साथ बहुत सारी स्पेस एजेंसीज हैं जो इंडिया के साथ कंपीट कर रही थी, वो हो सकता है कर रही हो, तो आप सर्च करिए कौन सी एजेंसीज थी जो इंडिया से कंपीट कर रही थी, जिनको यह था कि अगर इंडिया को मिल गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारा पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है कि हम ही ये फैला दें कि हमारे पास आने वाले। यूएस तो बहुत आगे से 1950s में मतलब वो जा चुकी थी स्पेस में, उसके स्पेस में लोग भी जा चुके थे। राइट, नहीं, तो उन्होंने ये भी बताया है कि जब रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कुछ कैसे मेरे ख्याल से 200 कुछ करोड़ का बता रहे थे, तो वो भी उन्होंने जो है उसको बंद करने के लिए कैंसल करने के लिए यूएसए ने भी प्रेशर दिया था। हाँ, तो अभी यही है कि ये सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, मगर हर फॉरेन पावर कोशिश तो करती है कोई और आपको डाउन करने के लिए, हर क्योंकि हर फॉरेन पावर चाहती है कि कोई और बंदा अब सुपर पावर ना बन पाए, अपने बल पे ही बनना पड़ता है। मगर इसीलिए मैंने कहा था, मगर इतना नहीं हुआ कि वो लोग फॉरेन स्टूडेंट्स को रिफ्यूज नहीं कर रहे कि वो बोले फॉरेन स्टूडेंट्स मतलब आएंगे। पढ़ाई पढ़ुई में पॉलिटिक्स नहीं है, राइट, ऊपर जाके दूसरे स्टेजेस, राइट, क्योंकि वो ये भी कह सकते थे कि जो भी साइंटिस्ट कुछ पब्लिश करता है और किसी कंट्री को नहीं जाएगा, तो थैंकफुली नॉलेज फ्री है। मगर यहां भी सैक्रिफाइस बहुत जबरदस्त सैक्रिफाइस है कि आपको नासा ने एम्प्लॉयमेंट दी, आपने मना कर दिया, आप अपनी ही कंट्री में फाइट आउट करते रहे, आपकी कंट्री ने आपको जेल में भी डाला फिर भी आपने गिव अप नहीं किया, भी किया टॉर्चर भी किया फिर भी आप करते रहे, तो बहुत ही जबरदस्त सैक्रिफाइस है, बहुत ही और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे गुड कैरेक्टर पे एक मूवी बनी है और उनको अवार्ड भी मिला है। ये सिग्निफाई करने के लिए कि अगर आपको जिंदगी में अच्छा कैरेक्टर देखना है तो ये अच्छा कैरेक्टर है जिसने सैक्रिफाइस किया कंट्री के लिए, तो वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, और ये हमें शिक्षा भी देता है कि हमारे साइंटिस्ट को प्रॉपर इज्जत हम दें, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करें, मेक श्योर करें उनकी सिक्योरिटी भी बहुत स्ट्रांग हो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।